मम्मा आज आप क्या बनाओगे? गुरु नानक जयंती के इस मौके पे हम कड़ा प्रसाद बना रहे हैं। जिस तरह गुरुद्वारा में बनाया जाता है हम वैसे ही बनाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है और फटाफट बन जाती है। ओके मॉम, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम शुगर को मेल्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने गैस पे एक पैन रख दिया है एट मीडियम फ्लेम, और इसमें हमने डाला 1/3 कप ऑफ शुगर, और अब हम डालेंगे 2 टाइम्स ऑफ 1/3 कप ऑफ वाटर, मतलब 1/3 कप से मेजर करके 2 टाइम्स, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें बेसिकली सिर्फ शुगर को मेल्ट करना है, और अभी हम इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे शुगर को मेल्ट होने देते हैं। तो ये देखिए पानी बॉईल हो चुका है, और ये जो हमारा शुगर है वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। तो अभी हम एक कढ़ाई रख देते हैं गैस पे, और इसमें हम डालते हैं 1/3 कप ऑफ घी, और हमें घी ज़्यादा ही डालना है। और अब हम डाल देते हैं 1/3 कप ऑफ आटा, ये थोड़ा जाड़ा वाला आटा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल आटा भी यूज़ कर सकते हो। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। अगर आपने इसे कंटिन्यूसली स्टर नहीं किया तो ये जल जाएगा, और आपकी जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो के बीच में रखिए और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते जाइए। तो बेसिकली हमें इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, बिकॉज गुरुद्वारे में भी ऐसे ही बनाया जाता है। तो ये देखिए इस तरह से आपको इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। तो ये जो डिश है वो फटाफट बन जाती है 10 मिनट्स में। इंस्टेंट हलवा है ये। सो ऑलमोस्ट अबाउट 5 मिनट्स आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो रहा है, हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, और इसका महक आना चालू हो चुका है। तो भी हमें अभी इसे और ऐसे ही कंटिन्यूसली स्टर करना है और इसे भूनना है। तो अभी ऑलमोस्ट आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है, एक ब्राउन हो चुका है ये। तो इस पॉइंट पे अब हम इसमें डालेंगे वाटर और शुगर का सोल्यूशन जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो हम इसे धीरे धीरे करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि पानी ज़्यादा है, बट धीरे धीरे ये जो आटा है वो सारा पानी को सोक कर लेगा। तो हमें इसे कंटिन्यूसली ऐसे स्टर करना है और इसे पकने देना है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 minutes ऑन लो फ्लेम। तो ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 7 to 8 minutes ये जो आटे का हलवा है उसने घी को छोड़ दिया है इस तरह, आप देख सकते हो। तो इस पॉइंट पे हमारा ये काढ़ा प्रसाद रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा कड़ा प्रसाद रेडी है। इफ यू लाइक आवर रेसिपी डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग रेसिपीज। वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।